राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। नतीजों के साथ ही नई सरकार का भी गठन हो गया है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तो वहीं 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया। 30 दिसंबर को भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राजस्थान की राजनीति में हंगामा शुरू हो गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस के नेताओं के साथ ही करणपुर से उम्मीदवार तीतर सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। तीतर सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा, करणपुर की जनता को मंत्री नहीं तीतर सिंह का संघर्ष प्यारा है। दरअसल बीते दिनों ही जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते चुनाव कैंसिल हो गया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने अब करणपुर में चुनाव 5 जनवरी को कराने का फैसला किया था, जिसके चलते फिलहाल करणपुर में आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, जिसके बाद से पूरा मामला तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि करणपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह और बीजेपी से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के साथ ही कई निर्दलीय भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तीतर सिंह भी उन्हीं निर्दलियों में से एक है। तीतर सिंह का ये 32वां चुनाव है और तीतर सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी है।